कि अलीजा चली गई, क्या निडा, तो मैं अकेली लड़की, तो अब एक बच्ची आई घर में, माशाल्लाह बेटा बहू साथ रह रहे हैं, तो क्या लाइफ में चेंज आया दोनों से पूछूंगी? यकीनन कुछ भी नहीं, यकीन माने आप, पर कैसा लग रहा है? कोई चेंज नहीं, बेटी आ गई। हाँ बेटी आ गई, बिल्कुल मुझे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लगी। अच्छा लग रहा है, कुछ कैसा, कितना अच्छा लग रहा है? नहीं मतलब क्या चेंज, कुछ तो होगा कि सुबह उठ रहे हैं पापा चाय ला दूं, सब ड्रामों में देखते हैं ड्रामा, मतलब हमारे घर में ये ड्रामा नहीं, अंकल चाय, अच्छा अंकल कहती है आपको पापा मामा वाली, या ऐसी कोई चीज नहीं होती, मम्मी डैडी कहती हैं। नहीं लेकिन ये हमारे घर में कोई चेंज नहीं आया, कोई ड्रामों वाला सीन नहीं चलता कि चाय ला दूं पानी ला दूं, बुलाती क्या मम्मी डैडी कहती है या कैसे बाबा ही बोलती है? नहीं बाबा ही बोलती है, मुझे बोलता हूं भाई, कैसे भाई, वो कहते मुझे बाबा नहीं बोलो मुझे भाई बोलो, लेकिन बहू को कह रहे कैसे भाई बोलो, और क्या, ये अच्छा आईडिया। हां तो मुझे तो बाकी अम्मा बोलती है, और क्योंकि मेरे दोनों बेटे भी लॉयर हैं, तो नेहल जो है मेरी डॉटर इन लॉ वो भी लॉयर है, फिर इनकी पसंद होगी, तीन तीन वकील साथ में, कोई केस तो नहीं लड़े कि बच्ची, ये नॉन प्रैक्टिसिंग, नहीं सॉरी प्रैक्टिस, बात सुनो मुझे, अगर लोग क्लाइंट मेरे सीरियस नहीं लेते इसका ये मतलब नहीं है। हाँ नहीं 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 खैर तो आपने बच्चों को, वो चारों काम पे निकल जाते हैं, सब काम पे निकल जाते हैं, तो घर में कोई ये नहीं होता, बस ये कि अब सबका घर है, मेरे घर में ये रूल है कि भाई सबका घर है, जिसका जो दिल चाहे जैसे दिल चाहे करो, खाओ पियो, कोई रिस्ट्रिक्शन घर पे आ जाएगा। हाँ मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ट्रे बना के लाओ सबको, साफ सब अपने हिसाब से, कौन बनाता है जब दिल चाहे, जिसका दिल चाहता है, जो फ्री होता है, कभी मैं होती हूँ, अगर नेहल फ्री होती है तो वो बना लेती है, वो जल्दी, वो भी बाहर हो आप भी शूट पे हो फिर क्या होता है, ये है ना बना लेते हैं, नहीं तो मेरा छोटा वाला बेटा है वो बड़ा अच्छा बना लेता है, वो बाहर रह के आया, वो हमारे हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं बस, हम कभी बस नहीं है खाने का, नहीं, 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 वो नहीं, साथ में रायता भी हो चटनी भी हो, अरे ये क्या हुआ अलग से तुमने वो प्याज काट के बना दिया, खुद काट लो जिसको तकलीफ है वो खुद काट ले। नहीं हमारे घर में ये क्या ट्रेनिंग है तुम्हारी, आई लव यू, दोनों बच्चे माशाल्लाह देखोगे ना कोई सुबह उठ के ये नहीं कहेगा माँ को या बीवी को कि ये बना के दे दो या वो कर लो, तो मैं नेहल को कहती हूँ नेहल तुम बड़ी लकी हो कि तुम्हें ना ये सही ट्रेंड वाले बच्चे मिले, मुझे ट्रेंड वाला बच्चा नहीं मिला, नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर इसलिए मैंने अपने बच्चों को सही ट्रेन किया। तो बच्चे जब आपके बड़े हो रहे थे वो ग्रोइंग स्टेज होती है, तो उसमें किसकी ज्यादा सुनते थे आपकी, तुम मुझे बताओ तुम्हारे घर में किसकी ज्यादा सुनी जाती है? यार मैं आज बताओ, चलो दो दो तरह की, मैं बता, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बोलो बताओ, मैं बताता हूँ, बताऊं? बताओ बताओ, बताओ। बहुत सवाल कर रहे हो। मेरे साथ ये होता है कि जब कोई ऐसा काम होता है ना जो जो ऑर्डर टाइप होता है या सख्ती वाला होता है, तो वो मेरी बीवी करती है वो काम, और जब बच्चों को कुछ चाहिए होता है, कुछ बात करवानी होती है, तो वो मेरे पास आता है, मैं जो है सबका यही हाल है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल रखता हूँ ना कि हाँ अच्छा ठीक है चलो करने दो यार हो जाएगा कोई मसला नहीं। तो माशाल्लाह कितने बड़े हो गए बच्चे? बच्चे बस बड़े हो गए, ये ना पूछे, मैं नहीं बताऊंगा कितने बड़े हो गए। ये क्या बात, इतने हो गए, इतने इतने हो गए, फिर वो बोलोगे कुछ इतने हमारे बच्चों से बड़े हैं या उनके बराबर हैं? ये मुझे आपके बच्चों को भी एज नहीं पता, तो मैंने ये बच्चे छुपा के रखता है मुल्क से बाहर, नहीं है ना वो मुर्गी है पता है क्या, इजाज़ असलम की एज ना किसी को पता चले, इसलिए कहा बच्चों को तुम मुल्क से बाहर रहो, खबरदार। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइव ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।